एवरीवन, आई एम आर्यन खत्री एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द जॉब प्रोफाइल ऑफ एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि MEA में जो ASO की पोस्ट होती है, जो आपको SSC CGL के द्वारा मिलती है, उस जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन से लेकर के सारी चीज़ों की, कि कितने आपको मार्क्स लाने हैं, क्या आपका क्राइटेरिया है, किस कैसी ट्रेनिंग है, काम कैसा होता है, सैलरी कैसी है, प्रमोशन कैसा है, और सबसे ज़रूरी कि आप में से कितने लोगों के लिए ये जॉब फिट है, सही है, और कितने लोगों के लिए जॉब सही नहीं रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस जॉब के लिए आपको दिख रहा होगा कि कितना कट ऑफ वगैरह जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 2022 और 2023 का डेटा मैंने यहाँ पे आपके लिए शो किया है। 2022 में जैसा आप देख सकते हैं, UR में 53 जो है आपकी वैकेंसी आई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, उसका जो आप लोएस्ट उसमें से देख सकते हैं 344 मार्क्स कट ऑफ गया था 390 में से। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि SSC CGL में पाई जाने वाली जॉब्स में से ये वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग जॉब्स है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कट ऑफ होता है किसी भी दूसरे जॉब के मुकाबले। बाकी अदर कैटेगरीज वाले भी 2022 और 2023 का डेटा देख सकते हैं। 23 में भी आपकी लगभग 58 वैकेंसीज थी UR की, अगर मैं बात करूँ तो, जिसमें आप देख सकते हैं 331 कट ऑफ थी, क्योंकि ये वाले में एग्ज़ाम में भी थोड़ा डिफिकल्ट आ गया होगा इस वजह से। सो इस ईयर भी आप इसी के अराउंड एक्सपेक्ट करिए कि वैकेंसीज आएंगी इसी के अराउंड। अपनी कट ऑफ को ध्यान में रख के चलिए। अगर आप मॉक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, तो एक टारगेट स्कोर अगर मैं आपको बताऊं तो प्लीज़ प्लीज़ 335 के ऊपर ही स्कोर करने का सोचिए। 335 340 की रेंज में अगर आप स्कोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर 344 था, तो अगर आप 335, वो चलिए वो वाले एग्ज़ाम में नॉर्मलाइज्ड है, बट फिर भी 335 तो आपको लाना ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग है। साथ में अगर आप UR कैटेगरी से हो, तो मैं आपको, अगर आपको ये चाहिए कि रैंक कितनी आनी चाहिए, तो आई वुड से कि आपकी रैंक 200-250 के अंदर ही आए तो बेहतर है, क्योंकि 50 वैकेंसीज केवल होती हैं, 50-55, और वो इसमें जल्दी जल्दी भर जाती हैं। साथ में जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो OH कैटेगरी वगैरह के हैं, जो PH कैटेगरी के हैं, अलग अलग डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स हैं, वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी भी वैकेंसीज और कट ऑफ हैं स्क्रीन पे, और भी बाकी अनरिजर्व कैटेगरीज वाले इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग की तरफ। ट्रेनिंग में देखिए, इसकी कोई खास अलग से ट्रेनिंग नहीं होती है, जैसे कि CSS वगैरह में होती है या इनकम टैक्स में होती है, कि आपको एंटर करते ही ट्रेनिंग करने जाना पड़ रहा है, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। हाँ, आपकी तब ट्रेनिंग ज़रूर होगी जब आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी, यानी कि जब आप एलिजिबल हो जाओगे और जब आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए चूज़ करोगे, तो उसके कुछ दिन पहले आपको एक जो है फॉरेन की, जो आपके जिस भी कंट्री में जा रहे हो उसमें जो लैंग्वेज होगी, उसका लैंग्वेज को आपको ट्रेनिंग मिलेगी, जो कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग होती है, जो कि आपकी JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होती है, दिल्ली में ही। एंड आपकी इसकी पोस्टिंग भी जॉब की दिल्ली में ही होती है 99%। सो वहाँ पे आपकी 30 डेज की ट्रेनिंग होगी, जो कि हेक्टिक होगी, क्योंकि नई लैंग्वेज है आपको सीखनी होती है, एंड उसका एग्ज़ाम भी होगा जो आपको क्वालिफाई करना होगा अपनी पोस्टिंग पर जाने से पहले, ठीक है। सो ये तो हो गई ट्रेनिंग के बाद। इसके बाद बात करते हैं, एंड अगेन इसमें कोई इमीडिएट ट्रेनिंग नहीं है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जॉब करते रहेंगे आप। अगर आपकी पोस्टिंग नहीं है, जो कि इमीडिएटली नहीं होगी, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो इमीडिएटली कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, आप मोटी मोटी बात ये समझ के चलो। नेक्स्ट बात करूँ अगर मैं जॉब प्रोफाइल की, तो देखिए जॉब प्रोफाइल तो बहुत एक्साइटिंग है इसकी। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग डिविजन्स के, जो MEA में जो अलग अलग सब सेक्शंस में बटा हुआ है, उसके आपको उसका जो एडमिन का वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइल्स वगैरह मैनेज करने का, वो सब आपको देखना होता है। साथ में आपको जो अलग अलग एम्बेसीज हैं दिल्ली में, जो अलग अलग मिशंस चल रहे हैं हमारे अलग कंट्रीज़ में इंडिया के, उनको रिप्रेजेंट करना होता है, उनको देखना होता है कैसा काम चल रहा है, किस भी जिसमें भी आप पोस्टेड हैं उससे रिलेटेड। साथ में आपको जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, हर देश से अलग अलग हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो भी हमारा एजेंडा होता है हर देश को लेकर के, वो आपको देखना होता है कि किस टाइप से आपकी फॉरेन पॉलिसी आपको फ्रेम करनी है। एग्जैक्टली आपको एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर फ्रेम नहीं करनी होगी, बट आपको अपने जो सेक्शन ऑफिसर होंगे, जो सुपीरियर होंगे, उनको असिस्ट तो करना ही होगा। सो वो भी एक ज़रूरी काम होता है। बाकी आपको प्रोटोकॉल वगैरह मैनेज करने होते हैं, डिप्लोमेटिक अफेयर्स, इवेंट्स वगैरह होते हैं आए दिन कई सारे। अभी हाल ही में G20 समिट इंडिया ने होस्ट करी थी, तो उसमें कई सारे इवेंट्स हुए थे, तो उसमें भी सारे गेस्ट्स को रिसीव करने से लेकर के एक डेकोरम बनाना, सब चीज़ें करना, ये आपकी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज से आपको कम्युनिकेट भी करना होता है, और आप जब फॉरेन पोस्टिंग आपको आती है, जब आप फॉरेन में जाते हो, तो ऑफकोर्स आपको जितने भी सिटीजन्स हैं, NRI वगैरह हैं जो इंडिया में बाहर रह रहे हैं, जो इंडिया के,
उनकी हेल्प करनी है, किसी का वीज़ा का प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। अभी अनफॉर्चुनेटली एक दो बार यूक्रेन में, अफगानिस्तान जैसे जगह पे जब इंडिया के लोग फंस गए थे, तो हाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ही उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था। तो ये काम में भी आपका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर आपकी सैलरी की, तो लेवल 7 की ये जॉब है, जैसा कि आप सबको पता है 4600 ग्रेड पे की। इसकी जो आपकी ग्रोस पे है वो आपकी 95,000 होती है। ये मैं इंडिया में रहने की बात कर रहा हूँ, जब आपको यहाँ पे दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी। और इसकी जो इन हैंड पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी वो अराउंड 80,000 के करीब आपकी आती है। सो ये तो आपकी जनरल, मतलब जो किसी भी लेवल 7 की जो आपकी ग्रुप बी की जॉब होती है उसकी सैलरी के बराबर ही है। खास बात इसमें ये होती है कि जब आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है तो आपकी जो सैलरी होती है जितनी भी यहाँ पे मिल रही है आपको, आप उसमें से मान लीजिए ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। यानी कि 80,000 अगर यहाँ पे आपको मिल रही है, ये एक रफ़ एस्टिमेट है, तो 2.5 लाख हो जाएगी, एक रफ़ एस्टिमेट है। ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है कि 80,000 है तो वहाँ पे 240 मिलेगी या ऐसा कुछ है, क्योंकि जिस कंट्री में आप जाओगे उस कंट्री का जैसा रहन सहन होगा, जैसा एक्सपेंसेस होंगे, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप किसी बहुत ही चीप कंट्री में जा रहे हो, मतलब चीप इन द सेंस कि पैसे वाइज चीप है, इकोनॉमिकली उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, किसी अफ्रीकन कंट्री में जा रहे हो या किसी भी कंट्री में जा रहे हो फॉर दैट मैटर, तो आपकी जो सैलरी होगी वो कम होगी, बजाय कि अगर आप किसी मान लीजिए अमेरिका में पोस्टेड हैं या फिर इंग्लैंड में या फिर ऐसे किसी हाई कमीशन में पोस्टेड है जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे जो आपका प्राइसेस ज़्यादा हैं चीज़ों के। सो वो चीज़ के हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। बाकी इंडिया में आपकी सैलरी 80,000 इन योर बैंक अकाउंट होती है। वाई और जेड सिटी की मैं बात यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको वाई या जेड सिटी में पोस्टिंग मिले। 99% लोगों की पोस्टिंग आपकी इसमें MEA में यानी कि दिल्ली में ही होती है। बाकी किसी किसी को सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस में अगर आगे चल के ट्रांसफ़र किया भी जाता है, तो आई होप तब तक आप सब प्रमोट हो चुके होंगे, तो उसके लिए ये सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। फिर हम बात करते हैं प्रमोशंस की, किस हिसाब से प्रमोशंस की आप होते हैं। तो आपको देखो एक तो तरीका होता है कि आप कुछ मत करो, एग्ज़ाम मत दो, आराम से बैठो जाके, तो आपका 10 से 12 साल में आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर बन जाते हो। बट अगर आप एग्ज़ाम देते हो, जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसको क्रैक करते हो, उसकी तैयारी करते हो, तो आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर 5 साल में बन सकते हो। फिर उसके बाद आप अगले 7, 8, 10 साल में अंडर सेक्रेटरी बन सकते हो। मोस्टली लोग अंडर सेक्रेटरी बन के रिटायर हो जाते हैं, जो काफ़ी यंग जाएंगे आप में से वो डिप्टी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। जो UPSC द्वारा चयनित कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ से जो सिलेक्टेड होते हैं वो IFS, जिनको कहा जाता है इंडियन फॉरेस्ट फॉरेन सर्विसेज के जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो डायरेक्टली अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पे आते हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो IFS A कैडर होता है, और आप लोग जो होते हैं वो आप लोग IFS B कैडर में होते हैं, ASO वाले। सो ये डिफरेंस एक होता है। बाकी आप चार्ट देख सकते हैं कि कहाँ तक आप जा सकते हो इसमें प्रमोशंस में। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसका, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है वो है ट्रांसफ़र्स की। ट्रांसफ़र देखिए इसमें जैसा मैंने बताया फॉरेन पोस्टिंग होती है, इसमें दो तरीके की वैकेंसीज आती हैं, एक आपकी रेगुलर वैकेंसी आती है, एक आपकी एडमिन वैकेंसी आती है। रेगुलर वैकेंसी में आपको 2 साल आपने जब सर्व कर लिया एज एन ASO इन दिल्ली इन MEA, उसके बाद आपके पास एक लिस्ट आती है जो भी होता है मेमो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो जो भी कंट्री में वैकेंसी है उसके लिए। उस फिर आपको लैंग्वेज वगैरह का जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग कराई जाएगी। एक एडमिन वैकेंसीज आती हैं जो जिसमें आपको 2 साल कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है, आप 6-7 महीने के अगर हो तो, मतलब वो 6-7 महीने हो चुके हैं अगर आपको ज्वाइन हुए तो भी आप उसमें जा सकते हो। अब फॉरेन पोस्टिंग इज़ नॉट कंपलसरी, ये भी आपको बात समझनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन पोस्टिंग में जाना ही है। बट अगेन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि जिनको फॉरेन पोस्टिंग नहीं चाहिए है बिल्कुल, वो ये जॉब बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि आप अगर मना करोगे तो एक बार दो बार मना करोगे, बट फिर आपको भी अपने सुपीरियर्स को बार बार मना करना पड़ेगा, तो वो भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा आपका, राइट? सो ये एक चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी। तो आप अगर फॉरेन पोस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तभी इस जॉब को लें। फिर इसके बाद जो आप वहाँ पे आपकी सैलरी होती है वो हाई होती है, ऑफ कोर्स आप काफ़ी अच्छी सेविंग्स कर सकते हो, आपका कोई इनकम टैक्स नहीं उस पर डिडक्ट होता है। बट ये बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपकी वहाँ सैलरी 2.5 लाख 3 लाख है तो आपके खर्चे सिर्फ 50-60 हज़ार होंगे, आपके एक्सपेंसेस भी उसी कंट्री के हिसाब से होंगे, तो आपकी सैलरी उतनी ही ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेटली होगी जितनी यहाँ पे है। बट आप अच्छे से एक्सपेंसेस को मैनेज करके आप सेव भी कर सकते हो। इसके बाद आपको 3 इयर्स के लिए फॉरेन पोस्टिंग में भेजा जाता है, उसके बाद हो सकता है आपको फिर से 3 इयर्स किसी और कंट्री में भेजा जाए या फिर 3 इयर्स वापस दिल्ली बुला लिया जाए। तो 3 इयर्स 3 इयर्स का आपका ये गेम चलता रहता है कि 3 इयर्स इधर 3 इयर्स उधर, ऐसे करके आपको होता है। इसमें एक जो चीज़ है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फैमिलीज़ को, जिनको अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ रहना है तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है, जिनके घर हैं होम टाउन हैं जो बिलोंग करते हैं किसी भी वाई जेड सिटी से, उनको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप अपना पूरा पूरा घर बार बार शिफ्ट करना नहीं चाहोगे, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
लैंग्वेज सीखने वालों को प्रॉब्लम होती है, जिनको लैंग्वेज नहीं सीखनी है या नहीं मन है उनका सीखने का, उनको प्रॉब्लम होती है। बाकी तो इसमें एज सच कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स के, कि किन लोगों के लिए ये जॉब सही रहेगी और किन लोगों के लिए जॉब नहीं सही रहेगी। प्रोज की सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये हाईएस्ट पेइंग जॉब्स है आपको सीजीएल में जितनी भी मिलती हैं उनमें से। देन आपको एक्सपोजर इसमें ट्रेमेंडस मिलेगा। आप खुद सोचो, आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री में जाके इंडिया को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो किस लेवल का आपको एक्सपोजर मिलेगा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑफिस का होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। किसी भी अच्छी बड़ी एमएनसी प्राइवेट सेक्टर की जैसा आपको ऑफिस मिलेगा, वो आपको नॉर्मल जो गवर्नमेंट ऑफिस जैसे देखने को मिलते हैं, जो इमेज बनी हुई है स्टीरियोटिपिकल, वो इमेज वाले ऑफिसेज नहीं मिलेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस आपका अच्छा रहेगा अगर आप सिर्फ काम करना चाहते हो तो। अगर आप प्रेप करना चाहते हो तो मैं उसके लिए आपको कॉन्स में बताऊंगा। फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी इसमें आपको, जो कुछ लोगों के लिए प्रो है, कुछ लोगों के लिए कॉन है। जिनको बाहर घूमने का शौक है जो जा सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा प्रो होता है। क्वार्टर्स आपके इजीली इसमें अवेलेबल होंगे जो बाकी जॉब्स में नहीं होते हैं, क्योंकि लोग बार बार छोड़ छोड़ के जाते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हर 3 साल पे। तो क्वार्टर्स आपको मिल जाते हैं, कुछ मंथ्स का टाइम ज़रूर लग सकता है बट आपको क्वार्टर्स मिल जाते हैं। बाकी अगर आप फॉरेन पोस्टिंग पे जाते हो तो कई सारे बेनिफिट्स होते हैं आपको, लगेज में इसमें उसमें, पासपोर्ट आपको अलग मिलता है वाइट। बाकी आपका एजुकेशन वगैरह, आपके जो चिल्ड्रन होते हैं आगे चल के, उनको भी एजुकेशन में भी सपोर्ट दिया जाता है। बाहर आप रहते हो तो उनको जो भी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें एडमिशन्स मिलता है, और यहाँ पर आपके NITs वगैरह में आपको इसमें उनको एक रिजर्व सीट मिलती है। इसके बाद मैं कॉन्स की बात करूँ कि किन लोगों के लिए जॉब नहीं है। देखिए, जिनको फॉरेन पोस्टिंग नहीं चाहिए हैं बिल्कुल भी ना जाएं इस जॉब में, उनके लिए बिल्कुल ये जॉब नहीं है। जिनको न्यू दिल्ली में फुल लाइफ कम्प्लीटली नहीं रहना है उनके लिए ये जॉब बिल्कुल नहीं है। जिनको फील्ड वर्क करना है उनके लिए जॉब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये काम मोनोटोनस हो सकता है उनके लिए। जिनको ED, ITI, एक्साइज ऐसी चीज़ों का शौक है, जो जिनकी टारगेट जॉब प्रोफाइल ऐसी है जिसमें एडवेंचर है ज़्यादा, थ्रिल है ज़्यादा, थोड़ा क्राइम रिलेटेड वर्क है, कि यहाँ पे क्राइम कुछ नहीं है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा ये अलग है उससे। बाकी वर्कलोड आपका हाई है जिसकी वजह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो नहीं हो पाएगी। ऑफिस में काम आप करोगे, घर अगर आप आते हो, एक आप हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हो, बट अगर आप UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ज़्यादा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। नॉट दैट नहीं हो पाएगा बट मुश्किल होगा। बाकी प्रमोशन इसके जो है, अगर मैं CSS से कंपेयर करूँ तो वो स्लोअर है। ऐसे इन जनरल वो स्लो नहीं है बट CSS का कंपैरिजन में थोड़े से स्लोअर है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हमने देखा कि एक ASO इन ME की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पोस्ट करिए। साथ ही मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सी जॉब प्रोफाइल के बारे में देखना है। सो उनके बारे में मैं वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। कीप लर्निंग। गुड बाय।